हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा श्रीवास्तव राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और पास में बेल आइकन का बटन है उसको करें प्रेस, ताकि हमारी नई आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच सके। हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं लव स्टोरी, एजुकेशनल वीडियो और इंटरव्यू प्रोग्राम, और ब्लाइंड से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी बहुत सारी प्रोग्राम हैं, जैसे ब्लाइंड डीएनए टेस्ट, दिव्यांग डीएनए टेस्ट, ऐसी कई सारी चीज़ें आती हैं। तो आप सभी का समय ज़्यादा ना व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम। थैंक यू, आप सभी अब प्रोग्राम का आनंद लें। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल, और गाइस लेके आ गया हूं इंटरव्यू प्रोग्राम। तो आज के इस इंटरव्यू प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अजय श्रेणी जी, जो कि ब्लाइंड है। तो इंटरव्यू शुरू करूं उससे पहले कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेस करें बगल में बेल नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। गाइस, आप लोग हमारे चैनल पर आज से कमेंट करें, जो भी आपके सवाल है, हम जो सवाल पूछे हैं उसका संडे को आकर के जवाब देंगे। दोस्त, कमेंट्स अगर ज्यादा रहेंगे हम तभी जवाब दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे हम जवाब देने नहीं आ सकते, है ना। तो आप प्लीज प्लीज मेरे चैनल पर जल्दी से कमेंट करें, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कुछ भी सवाल आपका, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे कोई सा भी सवाल हो, तो हमसे आप पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए हम इंटरव्यू को शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। तो अजय जी, पहले हम जानेंगे कि आपका जीवन परिचय, कि आप कैसे ब्लाइंड हुए, आप बाय बर्थ ब्लाइंड है, मतलब बचपन से ब्लाइंड है, लेट ब्लाइंड हुए, या आपको ब्लाइंड फील्ड के बारे में पता कैसे चला, तो आप प्लीज शुरू करिए। हमारा जीवन परिचय इस प्रकार है, हम शुरू से ब्लाइंड क्या ही कहें, हमारी आंख एक दो साल से साल के बाद खराब हुई है। हमें ये तो नहीं पता कि कैसे खराब हुई, लेकिन जब हमें पता चला तो हम किसी कैसे करके, जो देवी माता होती हैं, उनके उनके कारण से मेरी आंखें खराब हुई। कैसे मतलब? मतलब जैसे कि हमारे घर में कुछ लोग बताते हैं कि हमारे शाम का समय था, हमारे यहाँ एक दीपक जल रहा था, तो दीपक जलते जलते वो दीपक जैसे ही मतलब बुझ गया, तो वैसे ही हमारे साथ हमारी आंखों की रोशनी, वैसे ही हमने देखना बंद कर दिया जी। तो उसके बाद आपको ब्लाइंड फील्ड के बारे में पता कैसे चला, फिर ब्लाइंड स्कूल के बारे में, इधर उधर ब्लाइंड स्कूल होते हैं, ब्लाइंड लोग फोन भी चला सकते हैं, तो आपको सीधा पता कैसे चला? हमें एक आईटी टीचर के माध्यम से पता चला कि ब्लाइंड क्या होता है, और कैसे हमने शुरू किया पढ़ाई शुरू किया। हमें एक आईटी टीचर आए हमारे, जो जिनका नाम है नवीन पांडे, जो लालगंज के रहने वाले हैं जी। उन्होंने वो आकर के हमें बताया कि आप लोग पढ़ सकते हो, तो हमने 2010 में कैंप किया जी, 10 महीने का जी। तो वहां से हमने कक्षा 2 पास किया जी। उसके बाद फिर हम आ गए, फिर उसके बाद 9th से हम चित्रकूट से पढ़ाई किए, हमने चित्रकूट से पढ़ाई की। तो उसके बाद मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि मैं ब्लाइंड, मतलब तो आपने कहीं डॉक्टर को दिखाया नहीं अपनी आंखें? हमने बहुत जगह हमारा छोटे जब हम छोटे थे तो बहुत जगह हमारा इलाज चला, जहाँ तक कि अमृतसर में जो हॉस्पिटल है सबसे बड़ा, तो वहाँ तक हम जा चुके हैं, और पर्सनली अपना मैं खुद एम्स, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में चेक कराया, तो वहाँ भी बता दिया कि तुम्हारे दिमाग की जो रोशनी होती है वो सूख चुकी है। ओहो, तो अजय जी कई बार क्या होता है कि यार हम बाय बर्थ ब्लाइंड हो गए, बचपन से ब्लाइंड हो गए, कई लोग घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो क्या आपके भी घर में ऐसा ही है? नहीं, हमारे घर में हमारा फुल सपोर्ट है, हमारे घर का भी और जो भी है हमारे फैमिली और सबका सपोर्ट पूरा बराबर है। सबका सपोर्ट बराबर है। अच्छा, तो आपका सपना क्या है, आप आगे चल के करना क्या चाहते हैं?
हम आगे चल के सरकारी जॉब करना चाहते हैं, सरकारी जॉब मतलब किस चीज में? तो जैसे बैंक हो गया, रेलवे हो गया, सब। अभी कहां तक पढ़ाई कर ली है आपने? हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कंप्लीट सॉरी ग्रेजुएशन चल रहा है, फर्स्ट ईयर है। चल रहा है। अच्छा, तो मतलब कितने लोग आपके फैमिली में? आप ही ब्लाइंड हो कि और भी आपके फैमिली में ब्लाइंड है? अच्छा, नहीं हम ही है सर, तो आपने मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो कंप्लीट नहीं, आपको ग्रेजुएशन चल रहा है, फर्स्ट ईयर है, अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दिया हमने भी। आपका चल रहा है, तो आप हमारे उन व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, ब्लाइंड समाज को, जो कि सोच रहता है कि यार हम ब्लाइंड है, जो करप्शन वगैरह करते हैं, जो मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं, सोच रहे थे कि यार ब्लाइंड है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आज जी 2-3 4 दिन से ऐसा ऐसे लोग भी मुझे मिल रहे हैं जो कह रहे हैं ब्लाइंड कुछ नहीं कर सकते, केवल फोन चला सकता है या कुछ नहीं कर सकता, तो आप उन लोगों ऐसा का क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि ये सोच अपने दिमाग और दिल से निकाल दीजिए, ब्लाइंड लोग जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए आज हमारे कांटेक्ट में जो है रेलवे में है, कई लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, कई लोग बैंक में है, इसी प्रकार से अगर ब्लाइंड चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, जो कि हम हमारे टीचर्स कहते हैं कि हम जितना हम लोग नहीं कर सकते उससे काफी ज्यादा आप लोग कर सकते हो, अगर थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लिया जाए तो। जी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने, तो आपका जीवन परिचय भी लगभग लगभग समाप्त हो गया, तो हाँ हम जी आपसे एक दो सवाल और पूछना चाहेंगे जाते जाते, बिल्कुल कि बिल्कुल। आपके जीवन में कोई ऐसा कोई दोस्त हो है, कोई ऐसा गुरु रहा है जो कि आपको हर सारी गलत के मार्ग पे चलाए? मेरा हमारे दोस्त हमारे दोस्त मतलब बहुत से हैं, जैसे कि अनिकेत सिंह जी और अमन सिंह जी और जो नॉर्मल पर्सन है, जी यही लोग से हम मतलब इन्हीं लोगों की सहायता से जब हम ब्लाइंड नहीं मतलब जब इस दुनिया से नहीं जुड़े थे तभी हम कीपैड फोन चला जी लेते थे। जी अच्छा, तो मतलब कोई ऐसा कोई गुरु है जो आपके हर सही गलत के मार्ग को चला सिखाए हो हाँ आपको? जी हाँ जी, हमारे शुरू शुरू से और अभी हैं और थे और रहेंगे नवीन पांडे, मिस्टर नवीन पांडे सर। नवीन पांडे जी, तो अच्छा, तो ज्यादा से ज्यादा आप हमारे युवा को संदेश देके जाना चाहते हैं? यही कि जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं वो उनको तो हम क्या ही कहेंगे कि मतलब अगर हो सके तो अभी पढ़ाई से ही बहुत कुछ हो सकता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो भाई, अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल पे कमेंट कर दें या व्हाट्सअप करें, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9654223684, जल्दी से हमारे से कोई सवाल पूछे तो हम संडे को आप उसका जवाब देंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। थैंक यू थैंक यू।